ईशा श्रीवास्तव। खबर रोहतास जिले के चिनारी थाना क्षेत्र स्थित पेवंदी गांव का है, जहां फौजी राजीव कुमार मिश्रा के निजी जमीन पर जबरन कब्जा का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसका विरोध करने पर आरोपियों ने राजीव कुमार मिश्रा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं उनको बचाने के क्रम में उनके बड़े भाई डॉक्टर राजकिशोर मिश्रा का सर फट गया और दोनों हाथ टूट गए। मामले में पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं बाजार जा रहा था, देखा मेरे निजी जमीन पर जेसीबी चलाते हुए रामाकांत मिश्रा, जो निजी पत्रकार हैं, लोकल निजी पत्रकार हैं, मैं जब गया तो मेरे ऊपर बगल में अशोक मिश्रा उर्फ टुनू मिश्रा मेरे ऊपर लाठी और धारदार हथियार से हमला करने लगे। मेरे बचाव पक्ष में मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजकिशोर मिश्रा आए, उनको मार करके सिर, बीच से सिर फाट दिया और लाठी से मार करके दोनों हाथ तोड़ दिया है। किस मामले में? मामला जमीनी विवाद है, जो कि मैं शनिवार को जनता दरबार में अपना एविडेंस, जो मेरे जमीन का एविडेंस है, मैं पेश कर चुका हूं और सीओ मैम बोली कि ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं और इसके अपेक्षा अशोक मिश्रा को बुला गया कि आप अपना एविडेंस है कीजिए, तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था और ना ही प्रस्तुत कर पाए। मतलब कि आपके निजी जमीन में वो लोग जेसीबी ले गए थे? जी हाँ, निजी जमीन में जेसीबी ले गए थे और जब कुछ कोई चारा नहीं मिला तो थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार और जो रामाकांत मिश्रा है लोकल न्यूज चैनल का, उसके माध्यम से पैसा देकर के जबरदस्ती मेरे जमीन को इंक्रोचमेंट कर रहे थे, अपने अंडर में करना चाह रहे थे। आप क्या करते हैं? मैं सेना में 19 साल मेरी सर्विस हो गई, अभी सेना में मैं कार्यरत हूँ। गाँव पर आए हुए थे? जी, मैं छुट्टी में आया हुआ था। जी, आप थाने पर गए थे इसको लेकर? जी, थाने में गया था, 24 घंटा से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई धरपकड़ नहीं हुई। जिस वक्त घटना हो रही थी उससे पहले आपने कहीं थाना प्रभारी को फोन किया था? घटना के समय जैसे घटना हुआ मैं गिर गया, मेरे को लाठी से मार करके उन्होंने गिरा दिया। गिराने के बाद जब मैं कॉल किया तो थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार ने बोला कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं जो है बिना गाड़ी का एक कदम नहीं चल सकता हूँ, जबकि थाना से घटनास्थल की दूरी 100 मीटर भी दूरी नहीं है, पैदल भी आ सकते थे। क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिल सकता है? बिल्कुल, न्याय मिलने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है कि जो रामाकांत मिश्रा है वो थाना की दलाली करता है और पैसा दे करके ये सब मारपीट में मेरे को जान से मारने की एक साजिश और प्लानिंग थी। मेरा बड़ा भाई जिसका सिर फट गया है और उनका दोनों हाथ टूट गया है और मेरे दोनों हाथ में चोट आया और दोनों पैर में मैं जख्मी हूँ। वो क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई सरकारी डॉक्टर हैं, जो PMCH करहगर में कार्यरत हैं। जी, तो ऐसे में आप लोगों ने आवेदन दिया है लेकिन इसके जी कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जी नहीं। सुना आपने कैसे पीड़ित ने इस घटना में रमाकांत मिश्रा को आरोपी बताया है और बताया कि लिखित आवेदन के 24 घंटे बाद भी अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ DTV भारत पर। नमस्कार।